हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द अनदर वीडियो ऑफ एवी क्रिएशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फॉर्म टैग के बारे में, उसके साथ ही हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम टेबल टैग का भी यूज़ करेंगे, और उसके साथ ही हम फॉर्म टैग के साथ आने वाले उसके और भी टैग्स देखेंगे, और साथ ही में उसके हम एट्रीब्यूट्स को भी जानेंगे। तो चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे एक HTML की फाइल है, उसमें मैंने पहले बेसिक कोड लिख लिया है। देन यहाँ पे एक गूगल क्रोम में मैंने आउटपुट शो करने के लिए यहाँ पे एक विंडो ओपन किया है। तो यहाँ पे फॉर्म को अगर हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है इस वीडियो में, तो इसलिए हम पहले फॉर्म टैग लेंगे। उसके बॉडी के अंदर एक फॉर्म टैग को लेना है, ओपन एंड क्लोज कर लेता हूँ। और उस फॉर्म टैग के अंदर मुझे उस फॉर्म को टेबल टैग के अंदर बनाना है, इसलिए वहाँ पर टेबल टैग मैंने ले लिया। आपको टेबल टैग के फ़ायदा बताता हूँ। तो जो भी हमारी फॉर्म रहेगा, जो बटन टेक्स्ट बॉक्स वो रहेंगे, वो टेबल के फॉर्मेट में आएंगे, मतलब सीक्वेंस में आएंगे। आप बिना टेबल टैग का यूज़ किए भी फॉर्म बना सकते हो, पर उससे क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बड़ा हो जाता है, कोई टेक्स्ट बॉक्स छोटा रहता है, वो सारे सीक्वेंस में नहीं आते। इसलिए यहाँ पर टेबल टैग को लिया है। टेबल टैग के अंदर अपने को रो बनाना है, इसलिए मैंने TR टैग यूज़ किया है। और TR टैग के अंदर मैंने एक डाटा ली है TD, उसमें मैं लिख रहा हूँ नेम, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पहले नेम चाहिए। अगर आपको टेबल टैग के बारे में पता नहीं होगा, तो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था टेबल टैग के बारे में, वो आप देख लो एक बार। उसके बाद मैंने एक और TD लिया, उसमें इनपुट टाइप ले लिया हूँ। इनपुट टाइप यहाँ पर लूँगा मैं टेक्स्ट, क्योंकि नेम का जो इनपुट टाइप रहेगा वो टेक्स्ट रहता है। देन यहाँ पर एक नेम लेना है एट्रीब्यूट, देन इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर एफ नेम, मतलब फुल नेम। यहाँ पे आप एफ नेम या कुछ भी अपने मन से जो आपको लेना है वो वहाँ पे ले सकते हो। आप कंट्रोल एस से सेव, एंड देन यहाँ पे आउटपुट शो करने के लिए देखो रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे नेम और एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम इसमें एक और भी एट्रीब्यूट को डाल सकते हैं, जो कि होता है प्लेस होल्डर। तो उसका आपको दिखाता हूँ, पहले डाल देता हूँ प्लेस होल्डर इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर यहाँ पे लिखूँगा मैं फुल नेम। आपको आउटपुट शो करते टाइम इसका बताता हूँ यूज। देन इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट दूसरा रो बनाते हैं एक, जो कि होगा पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट TD हमने डाला था नेम, उसके जगह पे हम पासवर्ड कर लेंगे। और देन इनपुट टाइप को हम यहाँ पे टेक्स्ट के जगह पे पासवर्ड करेंगे। और देन प्लेस्ड होल्डर यहाँ पे पासवर्ड, और देन यहाँ पे जो नेम रहेगा वहाँ पे, यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। जो नेम जो भी एट्रीब्यूट रहता है उसका आउटपुट से कुछ लेना देना नहीं रहता। यहाँ पे देखो मैंने रिफ्रेश किया, एंड देन यहाँ पे अपना नेम और पासवर्ड के साथ एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। और देखो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, यहाँ पे दिखाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो प्लेस होल्डर लिया है जो फुल नेम और पासवर्ड हमने डाला था। तो जब भी हम कुछ भी वहाँ पर डाटा फिल करेंगे, वो प्लेस होल्डर वहाँ पर उसकी जगह पर हम जो लिखेंगे वो आ जाता है। तो प्लेस होल्डर का बेसिकली वही काम है। देन यहाँ पे नेक्स्ट रो बनाने के लिए मैं फिर से उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे TD के अंदर पहले लिखूँगा जेंडर। देन ये जो भी यहाँ से जो भी है इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि हमको इनपुट टाइप दूसरा चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे टैग के अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे लिया, इस बार रेडियो बटन लूँगा मैं। बेसिकली लास्ट टाइम अपने टेक्स्ट हमने देखा था कैसे लाना है। देन यहाँ पे रेडियो, देन नेम नेम इज इक्वल टू जेंडर, और फिर यहाँ पे मेल एक ऑप्शन हो गया। इसको फिर एंटर करके इसी को कॉपी कर देता हूँ फीमेल के लिए। तो फिर यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, देन उसके आगे टैग के आगे फीमेल। TD टैग अपना ऑलरेडी क्लोज है, तो यहाँ इसको सेव कर लेते हैं एंड फिर आउटपुट शो करता हूँ। देखो यहाँ पे जेंडर वाला जो ऑप्शन था वो आ गया। जब भी मैं एक यहाँ पे रेडियो बटन, मतलब हम सिर्फ एक ही को सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल को करोगे तो फीमेल वाला ऑप्शन हट जाएगा, फीमेल को करोगे तो मेल वाला चला जाएगा। यहाँ पे एक और रोल लेना है अपने को फॉर ईमेल आईडी। तो यहाँ पे TR टैग के अंदर जो ऊपर वाला TD का जो अपना कोड था वो कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए। और यहाँ पे TD के जगह जो नेम था उसको ईमेल कर दिया, एंड इनपुट टाइप मेल कर देता हूँ, और प्लेस होल्डर को डबल कोट के अंदर ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पे। देन
जो नेम वाला एट्रीब्यूट है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, तो ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ईमेल वाला टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर एक फ़ोन नंबर लेना बाकी है, तो इसके लिए एक TR टैग और लूँगा रो क्रिएट करने के लिए। और TR टैग के अंदर एक TD लेंगे, और TD के अंदर यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूँगा फ़ोन और नंबर। देन यहाँ पे एक हो गया डाटा, देन दूसरे के लिए फिर लिखेंगे यहाँ पे और एक TD, और यहाँ पे TD के अंदर टैग के अंदर लिखेंगे हम, इसको नीचे लेता हूँ, और TD टैग के अंदर लिखेंगे सेलेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे अपना रेडियो बटन हो गया है, टेक्स्ट बॉक्स हो गया है, मैं आपको अगला नेक्स्ट दिखा रहा हूँ फॉर्म टैग के अंदर क्या आता है। तो एक सेलेक्ट नाम का होता है जो ड्रॉप डाउन जैसे बटन काम करता है, वैसे ही सेम इसका भी यूज़ है। तो यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन ले लेंगे कि कितने ऑप्शन चाहिए वो सारे। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर +91 से स्टार्ट होता है इंडिया में, तो वो कंट्री का कोड डाल देंगे। तो यहाँ पे एक इसको कॉपी कर लेता हूँ जैसे 4-5 ऑप्शन के लिए, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया एंड इसको नंबर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 92, फिर 93 एंड देन 94, ऐसे इसको चेंज कर लिया। एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट टैग को क्लोज करके यहाँ पे एक और टैग लेना है, इनपुट टाइप और इज इक्वल टू यहाँ पे लेना है फ़ोन, क्योंकि वो बाकी का फ़ोन नंबर डालने के लिए। देन यहाँ पे प्लेस होल्डर लेना है, प्लेस होल्डर के अंदर लिख देना है कोई भी नंबर 8 9 9 8 8, देन स्टार स्टार स्टार, मतलब समझ जाए कि ऐसे कुछ डालना है उसके अंदर। ध्यान यहाँ पे इस टैग को क्लोज करेंगे और रिफ्रेश करके यहाँ पे आउटपुट दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सेलेक्ट वाले पे कोई भी आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, देन वहाँ पे बाजू में एक आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख जाएगा फ़ोन नंबर को इंटर करने के लिए। देन यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट फॉर्म कंप्लीट हो गया है, बस इसमें आप एक सबमिट बटन की कमी है। उसके लिए यहाँ पे एक TR टैग लेना है, TR टैग के अंदर यहाँ पे एक टैग लेना है, उसमें इनपुट टाइप और इज इक्वल टू डायरेक्टली सबमिट लिख देना है, तो इससे सबमिट बटन आ जाएगा। पर अपन ने यहाँ पे TD नहीं लिया है क्योंकि टेबल रो क्रिएट किया है उसके अंदर हम एक TD भी ले लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं TD ले लेता हूँ, और जो TD क्लोज हुआ है इसको यहाँ पे कट करके उधर पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पे इनपुट वाला टैग को हमने क्लोज किया है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट हो गया, देन यहाँ पे कंट्रोल S से सेव एंड आपको आउटपुट शो करता हूँ। तो देखो अपना पूरी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जैसा भी रहता है सिंपल फॉर्म क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हम नेम के अंदर टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पे डालोगे तो आपका वो डॉट डॉट आएगा क्योंकि हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिया था। देन जेंडर रेडियो बटन में आएगा, ईमेल एड्रेस वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा जिसमें आप ईमेल एड्रेस को फिल कर सकते हो। देन यहाँ पे फ़ोन नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो, और फ़ोन नंबर के साइड में आपको फ़ोन नंबर को फिल करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट को क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो फॉर्म सबमिट हो जाता है। उसके लिए आपको PSP से कनेक्ट करना पड़ता है ऐसे तो फॉर्म को, पर हम इसमें वो नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इसके हम कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे फॉर्म के अंदर। तो एक फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट होता है कि जब भी आप सबमिट को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक दूसरे HTML की फाइल लगेगी, उसके लिए मैंने पहले बना दिया है, उसमें लिखा है थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। अब अगर उस HTML फाइल को हमारा फॉर्म के साथ कनेक्ट करना है, उसके लिए फॉर्म टैग के अंदर लिखेंगे एक्शन एट्रीब्यूट, देन एक्शन इज इक्वल टू जो वो HTML की लिंक थी वो यहाँ पे कॉपी कर देंगे, जैसे कि थैंक्स डॉट HTML थी वो यहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे अपना डाटा फिल करूँगा, देन यहाँ पे मेल सेलेक्ट करके सबमिट करूँगा, तो जो वो उसमें जो लिखा था थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म वो यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे वहाँ पे शो होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट फॉर्म टैग का। जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो है ऑटो कम्प्लीट। तो ऑटो कम्प्लीट लिख के अगर आपने ऑफ कर दिया तो इसका यूज़ ये है कि हम जब भी देखो यहाँ पे अगर मैंने फुल नेम पहले डाला था अक्षय, अब यहाँ पे मैंने पहले ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो ऑन करने से क्या होगा, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो जो भी पहले मैंने डाला है वो यहाँ पे शो होने लगेगा, आपको सजेशन मिल जाएंगे। देन यहाँ पे अगर ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे वो जो सजेशन था, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, तो वो ऑफ हो जाएंगे, वो नहीं दिखेगा कि हमने पहले क्या यहाँ पे डाला था। तो ऑटो कम्प्लीट जो एट्रीब्यूट है उसका यूज बेसिकली यही होता है। जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है फॉर्म टैग के अंदर वो होता है मेथड। इसके दो होते हैं, एक तो गेट होता है, एक पोस्ट होता है।
तो हम जब भी अगर पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे, ये मेथड जो होता है वो पोस्ट वाला मेथड ज़्यादा सिक्योर रहता है। इसको अब दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे विंडोज़ बड़ा कर दिया, देन यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अगर नेम के अंदर अक्षय सिंह ऐसे डालूँगा तो यहाँ पे देखो URL के अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, राइट। और ऐसे ही अगर मैंने इस मेथड को यहाँ से हटा दिया तो क्या होगा, जब मैं रिफ़्रेश करूँगा, ओके, जब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पे अक्षय सिंह मैंने यहाँ पे डाला, देन यहाँ पे देख सकते हो कि आपके जो URL है वहाँ पे अक्षय सिंह ऐसे शो होने लगा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है, ये आपकी डाटा लीक हो सकता है। इसलिए जो मेथड होता है वो वहाँ पे इक्वल टू पोस्ट एट्रीब्यूट डालनी ज़रूरी होती है। यहाँ पे जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो होता है इन टाइप, तो इसको यहाँ पे कट कर देते डायरेक्टली, यही इंसेक्ट टाइप। इसका यूज़ बेसिकली ये है कि हमारे जो भी दो वर्ड रहते हैं अक्षय सिंह ऐसे, तो उसमें का जो स्पेस है उसको ये कम करके उस स्पेस के बदले यहाँ पे एक प्लस का साइन शो होने लगता है। तो उससे क्या होता है, जब भी हमारा डाटा उनके पास जाएगा जिन्होंने साइट बनाई है, उनके पास अगर डाटा जाएगा तो उनको समझ जाएगा कि यहाँ पे स्पेस है। तो इसका यूज़ बेसिकली यही है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखेंगे, तो जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा वो है टारगेट। टारगेट के अंदर चार वैल्यूज आते हैं, इक्वल टू डबल कोट के अंदर यहाँ पे एक अंडरस्कोर ब्लैंक, इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो इसका यूज़ ये है कि हम जब भी सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो पेज लिंक है तो वो अलग अलग टैब में ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने सबमिट क्लिक किया, देन यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो गया, राइट। लेकिन मैं अगर टारगेट वाला ये जो एट्रीब्यूट है उसको हटा देता हूँ तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे क्या होगा, अगर मैंने सबमिट क्लिक किया वो उसी टैब के अंदर ओपन होगा, नेक्स्ट टैब नहीं ओपन होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फॉर्म बनाते टाइम उसको टारगेट करना चाहते हो, मतलब नेक्स्ट टैब में ओपन करवाना चाहते हो कि नहीं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये फॉर्म टैग समझ में आ गया होगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाना है ये भी समझ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।